दोस्तों, मैं अभी ये स्विट्ज़रलैंड के शहर वेवे में हूँ और आज मैं जा रहा हूँ लंदन, इंग्लैंड। तो अभी वेवे से मैं लूँगा ट्रेन टू जिनीवा और जिनीवा से लूँगा मैं प्लेन टू लंदन गैटविक और वहाँ से फिर मुझे ट्रेन लेना है मेरे ब्रदर के घर। तो ये सारी जर्नी मैं आपको दिखाऊँगा और आप मेरे साथ चलिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है वेवे शहर और ये सामने है रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा। ट्रेन करीब 11 बजे है मेरी सवेरे और अभी ये स्टारबक्स है तो मैं यहाँ भी थोड़ी कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी ट्रेन आ रही है जो जिनीवा एयरपोर्ट जाएगी वाया लोजान। ये फास्ट ट्रेन है, ज़्यादा रुकती नहीं है, बस एक ही स्टेशन लोजान में रुकेगी। तो दोस्तों, अब मैं जिनीवा एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और अब मैं जाऊंगा ऊपर। मुझे सीधे सिक्योरिटी चेक इन में जाऊंगा क्योंकि मेरा कोई चेक इन बैगेज नहीं है। बोर्डिंग पास मेरे ऐप में रेडी है। अभी देखिए, ये कोविड का ज़माना अब ख़त्म हो गया और काफ़ी अब ट्रैवलर्स ट्रैवल करने लगे हैं। ये जिनीवा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही एयरपोर्ट है और यहाँ ये प्लेन्स यहाँ पर जो है डायरेक्टली जैसे एशिया या मिडिल ईस्ट वगैरह नहीं आती हैं, यहाँ से फिर किसी बड़े एयरपोर्ट जैसे फ्रैंकफर्ट या पेरिस या लंदन जाना पड़ता है, फिर वहाँ से कनेक्शंस मिलते हैं। बस ये सामने है अब ये एंट्री एयरपोर्ट की। अब ये पीछे ये ट्रेन स्टेशन था, ट्रेन स्टेशन से निकल के अब ये बिल्कुल ये एयरपोर्ट यहाँ सामने लगा हुआ है। ये देखिए, सामने एंट्री है एयरपोर्ट की। ये देखिए, छोटा सा एयरपोर्ट है, ये कोई इंडियन एयरपोर्ट की तरह है। अब ये आ गया मैं सिक्योरिटी चेक करके। मेरा जो बैगेज था वो रैंडम चेक में चला गया था, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और तो दोस्तों, अब हम गैटविक पहुंच गए और अभी इमिग्रेशन करना पड़ेगा। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूं। अब यहां से मुझे अब ट्रेन लेनी है अपने ब्रदर के घर पहुंचने के लिए, पर मैं सोच रहा हूं पहले कि कुछ खा लेता हूं क्योंकि थोड़ी भूख भी लगी है। किधर से ट्रेन स्टेशन इस साइड है, मैं सोच रहा हूं ट्रेन स्टेशन की तरफ ही जाऊँ और वहाँ से कुछ खाते हुए निकलो। यहाँ से कुछ एक सैंडविच या कुछ ले लूँ, थोड़ी भूख लगी है। इधर ये सैंडविचेस हैं, ये सैंडविचेस एक उठा लेता हूँ। दोस्तों, मैं अब सैंडविच खा के ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। लकीली मेरा जो इंडिया का फॉरेक्स कार्ड था वो चल गया, तो उससे मेरे एटीएम से मैंने पाउंड निकाल लिए और यहाँ का जो ट्रेन का जो बुकिंग सिस्टम है ऐप ट्रेन लाइन, उससे मैं ट्रेन मैंने बुक की हुई है। तो अभी यहाँ 5 बज रहे हैं, 5:20 की ट्रेन दिखा रही है
तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये 520 की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से है। शटल लेना पड़ रहा है टू ट्रेन स्टेशन एयरपोर्ट से, और मैं ये शटल में आ गया हूँ। अब ये शटल ले जा रही है हमें ट्रेन स्टेशन। स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और अब ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। ट्रेन में बैठ गया हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई, पर यहाँ पर लोगों ने कहा कि हाँ भाई जहाँ हमें जाना है वहाँ ट्रेन रुकेगी, तो इसलिए मैं बैठ गया हूँ। ये क्लैपम जंक्शन पहुंच गया हूं और यहां से अब मुझे लेना है ट्रेन विंबलडन के लिए, और प्लेटफॉर्म यही सामने वाला है। तो अच्छी धूप निकली है, कोई ख़ास मुझे वेदर में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहां और स्विट्ज़रलैंड में ऑलमोस्ट सेम है। वहां पर भी धूप थी, यहां पर भी धूप है, हालांकि मुझे लग रहा है कि यहां थोड़ी सी कम है गर्मी, पर है तो गर्मी यहां भी, पर गर्मी मतलब कि अराउंड 24-25 इंडिया के हिसाब से तो गर्मी नहीं है, पर यहाँ के हिसाब से गर्मी है। और ये हमारी ट्रेन आई विंबलडन वाली, होपफुली सही है। विंबलडन अब यहाँ से दो स्टेशन है, और मुझे ये जो यहाँ पर टिकर है उसमें टिक गया है, दो स्टेशन बाहर। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, This train is for Shepperton, the next. We are now at तो दोस्तों अब ये पहुंच गए हैं विंबलडन स्टेशन। अब यहाँ से मुझे टैक्सी लेनी है अपने ब्रदर के घर के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, और अब मैं देखता हूँ टैक्सी कहाँ से मिलेगी। तो अभी तक तो जर्नी सो फार सो गुड और कंफर्टेबल ही रहा, लाइनें लंबी हैं पर ठीक है, चलती हैं। तो जब तक के लिए सफ़र आगे बढ़ रहा होता है, कोई ऐसी कोई अड़चन नहीं आए, कोई कैंसिलेशन ना हो, तब ठीक है। तो भी आपको पता होगा कि विंबलडन चल रहा है, तो मेरा प्लान है कि विंबलडन में कुछ मैचेस देखूंगा, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स आउट। ये टैक्सीज हैं इधर राइट साइड में, तो मैं अब जा रहा हूँ टैक्सी लेने। ओ ये देखिए उन्होंने सारा विंबलडन का सारा ये थीम बनाया हुआ है, और कुछ खाने को भी बांट रहे हैं, तो खाएंगे तो सही। तो टैक्सी देखिए बड़ी क्यूट सी टैक्सी है। टैक्सी के अंदर बैठ गया मैं अब, और ये देखिए लंदन। गेट सम मेमोरी ऑफ यू, आई एम गेटिंग अ लिटिल वीडियो। तो दोस्तों हम पहुंच गए मेरे ब्रदर के घर। तो दोस्तों मैं अभी पहुंचा हूं, और जैसे कि मेरे जो ब्रदर के घर है ये विंबलडन से बिल्कुल साथ है, तो ये विंबलडन के मैचेस अभी ख़त्म हुए हैं बस, तो मैं ऐसे एक वॉक के लिए निकला था, तो ये मैचेस ख़त्म हुए हैं और ये सारे लोग जो हैं निकल के अभी जा रहे हैं। अभी शाम के अभी 7:30 या 8 बजे होंगे, और ये सामने देखिए ये विंबलडन कोर्ट्स।